सो वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो। हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो देखिए, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि डेटा एंट्री का वर्क कैसे करें। आज थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने एक सोचा है एक न्यू टॉपिक पे एक यूजफुल टॉपिक बताया जाए। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए हार्ड रहेगा, अगर आपको समझ ना आए तो मैं इस टॉपिक को धीरे धीरे करके मतलब कि टॉप स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इस इन सभी फंक्शंस को जो आज मैं करूँगा उनको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ प्रोडक्ट नेम और प्राइस क्वांटिटी। प्राइस क्वांटिटी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस क्वांटिटी हमें यहाँ पर दे रखा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि हमारी टेबल के राइट हैंड साइड एक और टेबल दी गई है जहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स के नाम, उनकी प्राइस क्वांटिटी एंड सोल्ड क्वांटिटी हमें यहाँ पे दी गई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट नेम है जैसे कि पेन, उसकी प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है, हमें इस सेकंड टेबल को देख के ये सब रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री करनी है। तो आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड हमें दिए गए हैं। अब इसको हम इसमें हम रिकॉर्ड की एंट्री कैसे करेंगे, तो फटाफट से समय टाइम वेस्ट ना करते हुए फॉर्म फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल वी लुकअप का यूज करना है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा है प्रोडक्ट नेम। मैं इसको फटाफट से यहाँ पे F2 की हेल्प से, F4 की हेल्प से इसको इसकी कॉलम फिक्स कर देता हूँ। एंड देन आपको यहाँ पे ये कंप्लीट टेबल एरे ले लेनी है। देन उसके बाद आपको F4 फिक्स कर देना है। फिर कॉमा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं यहाँ पे मैच लगा देता हूँ। मैच लुकअप वैल्यू क्या करना है, मुझे इस प्राइस वाली कॉलम को, सेल एड्रेस को जिसकी मैंने रो फिक्स कर दी, इसको मुझे यहाँ पर देखना है। एंड आपको दोबारा से F4 से इसको कंप्लीट फिक्स करके कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देना है। यहाँ पे वैल्यू नाम का एरर आ चुका है। मैं देखता हूँ यहाँ पे किस क्यों एरर आया है। यहाँ पे हमने इसको सेल एड्रेस नहीं दिया था, मैं इसकी फटाफट से रो फिक्स कर देता हूँ कॉमा एंड देन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो इस प्रोडक्ट पेन की प्राइस 10 है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो सेकंड टेबल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे वी लुकअप के थ्रू हमारा पेन की प्राइस 10 आया है और आप सेकंड टेबल में भी देख सकते हो कि पेन की प्राइस 10 ही है। और आप इसको इस तरफ ड्रैग कर सकते हो और आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। और बीच में नेट में एरर आ गया। नेट में एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई नेट नाम का हेडिंग नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे कर्सर रख के कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करके हम यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। आपको डिलीट बटन प्रेस करना है, बैकस्पेस वगैरह प्रेस नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, नेट निकालना है, इक्वल प्राइस इंटू क्वान्टिटी एंड देन आपको एंटर कर देना है। आप हैशटैग आ गया, हैशटैग इसलिए आ गया क्योंकि जो डेटा तो बड़ा हो गया और सेल का साइज कम हो गया। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और जो यहाँ पे एरर आ रखा है उसको हम कर देंगे इग्नोर एरर एंड देन डबल क्लिक कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर जो ये एरर आ रखा है इसको हम कर देंगे इग्नोर एरर और जो हमारा नेट है इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा हल्का सा। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या दे रखा है, सोल्ड क्वांटिटी के बाद सोल्ड प्राइस। अब सोल्ड प्राइस निकालना है कि हमने इस क्वांटिटी में से इतनी क्वांटिटी सोल्ड करती है। तो सोल्ड प्राइस कैसे निकालोगे, इक्वल उसकी प्राइस इंटू वो सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब अनसोल्ड क्वांटिटी कैसे निकालोगे, इक्वल कि उस क्वांटिटी में से हमने कितना बेच दिया, उस क्वांटिटी में से हमने कितना बेच दिया और कितना रह गया। 3184 आइटम पेन के रह चुके हैं। अब अनसोल्ड प्राइस क्या है, अनसोल्ड प्राइस कैसे निकालोगे कि भाई जो उसकी प्राइस है मल्टीप्लाई बाय जो उसकी क्वांटिटी है, अनसोल्ड क्वांटिटी है, एंटर कर दोगे। अब हमें इसकी रिव्यू देखना है, अब इसके हमें रिव्यू देखना है। इसकी क्वांटिटी का एक चौथाई हिस्सा ग्रेटर देन है, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा गुड एल्स में, यहाँ पे आ जाएगा
एट ब्रैकेट क्लोज एंड देन आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे गुड रिव्यू आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके एंटर कर देना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने जो आइटम बेचे थे सोल्ड क्वांटिटी कि जो हमने ये आइटम बेचे हैं उनकी इतने रुपए, मतलब कि जो सामान हमारे पास 50,000 क्वांटिटी में सामान था, जो पेन का फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, उसकी कीमत आई थी 5,00,000 रुपये। ठीक है, 50,000 में से अगर मैं 46,816 पीस अगर मेरे बिक चुके हैं तो उनकी कीमत है 10 रुपये के हिसाब से इतने रुपये। ठीक है, अगर मैंने 50,000 में से 46,816 क्वांटिटी का जो भी सामान मैंने अगर सोल्ड कर दिया है तो 50,000 में से 46,816 गए तो 3,184 क्वांटिटी अभी मेरी बेचनी बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे आ चुका है मेरा अनसोल्ड प्राइस। अनसोल्ड प्राइस का मतलब क्या है कि कितने रुपए का सामान मेरा अभी बेचना बाकी है। तो 10 रुपये के हिसाब से 3,184 सामान अगर मेरा बाकी है तो 31,840 रुपये का सामान बेचना भी मेरा बाकी है। और रिव्यूज़ यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया है कि अगर मेरा सामान एक चौथाई हिस्सा इसका क्वांटिटी का, अगर एक चौथाई हिस्से से अगर F2 सोल्ड क्वांटिटी कम है या फिर ज़्यादा है कर सकते, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे इसका रिव्यू निकाल दिया। आई होप आप सभी को ये फंक्शन समझ में आया होगा। सो डैट इज़ फॉर टूडे गाइज, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।